28 साल पूरे हो गए, अभी ये 29वां साल है। 15 तारीख को महाराष्ट्र की एमपी हरदास सुप्रिया सुले इनके हाथ से एक कल्चरल प्रोग्राम का ओपनिंग हो रहा है। यहाँ पे बहुत से सेलिब्रिटी आ गए, आगे आते रहेंगे। मैं ये पंडित भीमसेन जोशी के गाने से हमने ये नवरात्र फेस्टिवल की शुरुआत की थी। पुणे में एक अच्छा दक्षिण की पद्धति का एक बहुत बड़ा मंदिर है महालक्ष्मी का। ऐसा कहा जाता है कि ये विश्वकालीन मंदिर हमारी पीढ़ी से उसका जीर्ण उद्धार हो गया। मैं आप सबको भी वहाँ पे आने के लिए इनवाइट करता हूँ। वहाँ पे शीश महल अभी बनाया जा रहा है इस साल, और मंदिर में पूजा पाठ अर्चना होती है, कुमकुम अर्चन होता है, होम हवन होता है, लाखों भाविक आते हैं। तो ये भाविक पुणे कल्चर सिटी है, स्पोर्ट्स सिटी है, इसके लिए पुणे में कल्चर प्रोग्राम होना चाहिए। इस वजह से हमने ये फेस्टिवल चालू किया। आज तक लता दीदी यहाँ पे आके पसायदान उन्होंने गाया था ये फेस्टिवल में। सुनीति चौहान की जो स्टार्ट थी वो मेरे ख्याल से यहाँ से हो गई थी। अनेक कलाकार आए थे, श्रिया घोषाल आई थी, अनुराधा पौडवाल, शिव कुमार शनवा चेन्नई से, चंद्राबी किशोरी अमोनकर, ऐसे बहुत से कलाकार आते। 10 दिन यहाँ पे पूरी धूम मची रहती है। ये 10 दिन ये प्रोग्राम का इन्विटेशन रहती है। यहाँ पे बहुत से फंक्शन होते और ये साल सुप्रिया सुले जी के हाथ से उद्घाटन हो रहा है। हर साल हम ऐसे कलाकारों को सम्मानित करते हैं, उनको पुरस्कार देते हैं। हर साल जीवन गौरव 5 पुरस्कार दिए जाते हैं महालक्ष्मी के नाम पे, और एक जो होता है महर्षि पुरस्कार दिया जाता है। पिछले साल हमने सुशील कुमार शिंदे जी को आदरणीय शरद पवार जी के हाथ से दिया था, और इस साल हम महर्षि पुरस्कार जो जाने माने ज्ञानेश्वर मुले जो जाति एक विशेष तज्ञ है शिक्षण के बारे में, उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनको हम दे रहे। नारी का सम्मान और महाराष्ट्र की कला ये करने के लिए लावणी महोत्सव हमारे यहाँ पे होता है। ये ओपनिंग सेरेमनी 3 घंटे का होता है। ये 15 अक्टूबर को पुणे में सबसे बड़ा जो हॉल है गणेश कला क्रीड़ा केंद्र वहाँ पे है होने वाला है। यहाँ पे काली शक्ति का एक जागर होके जो क्षमा भाटी नृत्यांगना है नादरूप संस्था उनके साथ वो ओपनिंग सेरेमनी करेगी। उसके बाद दुर्गा का रूप दिखाया जाएगा, माँ अम्बे का गाना होगा। हमारे में महाराष्ट्र में खंडोबा उसका एक सदानंदाचा येलकोट येलकोट ऐसा बोलते उसका होगा। 10 इनके जैसे ही सेलिब्रिटी सिने तारका आ रहे हैं, उनमें मराठी सिने तारका है, मैं अमृता धोंगड़े जी आ रही है, हेमांगी कवि आ देवी है, भार्गवी चुरमुले, सानिया चौधरी, अदित्री द्रविड़, ऋतुजा सोमन, कार्तिक अदमाने, वैशाली जाधव, श्वेता परदेशी, साहिली पराटकर, निकिता मुगे, ऐसे कलाकार आते कि 10 दिन हम कहाँ चले जाते हैं पुणेवासियों के लिए, महाराष्ट्र में नहीं तो ये देश भर में ये महोत्सव आपके माध्यम से सब लोग देखते हैं। आपके आप ही दिखाते हैं उसे टीवी पे, फेसबुक पे, तो ये बहुत बड़ा फंक्शन होता है। इस साल बहुत से प्रोग्राम है, इसमें से मैं आपको कुछ, ये साल देवानंद की 100 साल पूरे हो रहे, तो एक शाम देवानंद के नाम ऐसा हमने नाम कार्यक्रम का नाम है। अच्छे अच्छे कलाकार उभरते कलाकार वो एक शाम देवानंद के नाम, और आशा जी के 90 साल पूरे हो रहे तो 90 गाने एक साथ गाए जाएंगे, और आशा जी को मान वंदना होगी। मराठी संस्कृति के लिए मराठी पावल पढ़ते पड़े जो संस्कार हम भूल रहे, तो वो संस्कार आगे जाने के लिए पुणे नवरात्र महोत्सव हर साल काम करता है। हमने आजकल आप देख रहे हैं कि नई पीढ़ी में दादा दादी है ही नहीं, तो उसके लिए हमने ऐसे प्रोग्राम जो लिए कि लोग संस्कार भूले नहीं, वो संस्कार हम लेने वाले हैं। वो मेरे दिल के चैन 13 अक्टूबर को ही किशोर कुमार की पुण्यतिथि, इसके लिए उनको भी हम नहीं भूले। तो महाराष्ट्र के जो विनोदी बादशाह थे अत्रे, उनकी भी जयंती, उनके लिए भी हमने प्रोग्राम रखा है। हमारा ये जो एक लावणी महोत्सव होता है वो सुबह 12 बजे से रात को 12 बजे तक चलने वाला ऐसा लावणी महोत्सव है कि महाराष्ट्र की कला हम हर राज्य में दिखाना चाहते हैं, तो उसका भी एक हमने आयोजन किया है। उसके
उसके बाद मराठी कवि हास्य सम्मेलन, जो आज भूल रहे लोग, हंसना ही भूल गए, तो वो हंसाने के लिए रामदास पुटानी की मराठी कवि हास्य सम्मेलन ऐसा करते ही हम दशहरा आ जाता है। और दशहरे के दिन हमने एक अच्छा प्रोग्राम वो देवानंद की नाम की हमने लिया है। 10 दिन लोग आते हैं मंदिर में, पूजा पाठ करते हैं, ये हर साल हम करते हैं। इस साल हम महालक्ष्मी कला संस्कृति पुरस्कार जो हर साल देते हैं, एक संजय डॉक्टर संजय मालपनी जो उन्होंने अच्छा योगदान समाज के लिए दिया, उनको हमने चुना है। आप भारतीय विद्यापीठ, आपको मालूम है उनकी जो डीन है और वो पूरा करता धरता डॉक्टर अश्विनी जगताप, जिन्होंने कोरोना काल में बहुत बड़ा काम किया था, उनको भी हम सम्मानित करते हैं। आपकी पत्रकारी में से स्वागत हो रहा थे, उनको भी हमने ये जीवन गौरव पुरस्कार दिया है। गणेश चंदन सिवे करके बहुत ही उनका निचले स्तर पर काम है, गौर गरीबों के लिए काम करते हैं, उनका हम एक धन्यवाद आभार हमारे ट्रस्ट के तरफ से हम देना चाहते, उनको ही हमने जीवन गौरव पुरस्कार दिया है। और एक हम विशेष करके महाराष्ट्र की जो कलाकार होते उनके लिए पुरस्कार लगते वो रहता है, ये परभनीकर, दीपा परभनीकर और रूपा परभनीकर, वो दोनों बहनें, ये जुड़ी हुई बहनें, और वो परफॉर्मेंस करते है अच्छा महाराष्ट्र में, वो अच्छा चित्रपट में कर रही है, लावणी में कर रही है, नाटक में कर रही है, ऐसे अनेक कलाकार होते हैं। इसके अंदर हमारा महिला महोत्सव भी रहता है, 10 दिन महिलाओं के लिए हम पाक कला स्पर्धा, उनके लिए रंगोली स्पर्धा, उनके लिए हम क्रिकेट, साइकिल, योगासन, ऐसे ये लेते हैं। महिला महोत्सव के अध्यक्षा जयश्री बागोली है, हमारे यहाँ पे वैष्णवी बागोली, अभी बागोलीकर हो गई है, वो भी यहाँ पे सब भाग लेते हैं। यहाँ पे हम मिलजुल कर करते, हम पुणे नवरात्र महोत्सव का फेस्टिवल नहीं करते, हम हर साल 3,000 माँ बाप को काशी यात्रा भी करते। देखभाल यंगस्टर कर रही कि माँ घर में एक भगवान होता है और एक मंदिर में भगवान होता है, लेकिन माँ जो होता है तो माँ हर रूप में होती है, ये यंगस्टर की पहचान है। बताइए इस बार जो मंदिर, गुड इवनिंग एवरीवन, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू इंट्रोड्यूस यू टू आबा बागुल, एक्स मेयर, एक्स डेप्यूटी मेयर, एंड जयश्री बागुल, प्रेसिडेंट ऑफ महिला महोत्सव एंड सोशल वर्कर। पुणे, अ लैंड होल्ड्स ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, रिचुअल्स एंड ट्रेडिशन, देयर्स डिविनिटी इन इट्स एयर। दिस ईयर पुणे वुड बी विटनेसिंग इट्स 29th पुणे नवरात्रि महोत्सव फ्रॉम October 15, 2023. A 10-day annual festival which is an amalgamation of art, culture, folklore, music, dance, devotion, tribal art, rituals, traditions and literature. This festival has created its niche on and off this cityscape for its distinctive style of entertainment through various art forms. People from all the walks of life have graced the stage and enthralled audiences of several generations, from artists to musicians, to Afrikaners, connoisseurs, to poets, writers, politicians, to social workers, all have contributed over the years in making this festival a treasure trove. Several luminaries like Ustad Allah Rakha Khan, Ganeswaraswati Kishori Amonkar, Pandit Hari Prasad Chaurasia, Sitara Devi, Sharad Pawar, Ajit Pawar and many others have embellished the stage while enhancing its legacy. इस बार जो पुणे नवरात्र महोत्सव है उसके अंडर हम पुणे महिला महोत्सव लेते हैं, सो दिस इज़ द 24th ईयर, और उसमें हम विविध प्रकार के कॉम्पिटिशन्स रखते हैं। उसमें इस टाइम हमने वेशभूषा स्पर्धा रखा है, उसमें जो है कि लेडीज़ जो है उन्होंने बाईपन भारी देवा, ये जो मूवी आई थी मराठी में वो सुपरहिट गई थी, तो उसी से प्रोत्साहन लेके हमने वो थीम बनाई और उस हिसाब से लेडीज़ को वो ड्रेसअप करके आना है, सो उसमें हम प्राइज़ देने वाले हैं। सेकेंड जो हमने कंपटीशन रखी है वो श्री सुक्त पठन है और विष्णु सहस्त्र नामन है, जो कि मंदिर में रहता है, सो स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ये हमने एक स्पर्धा ली है। उसके बाद हमने बच्चों के बारे में भी सोचा, सो वी टुक ड्राइंग कंपटीशन रखा है बच्चों के लिए, सो फर्स्ट टू सेवेंथ ये जो है
सेवेंथ ग्रेड तक वो बच्चों के लिए हमने ये कंपटीशन रखा है। उसके बाद हमने पाककला स्पर्धा रखा है, लाइक कुकिंग कंपटीशन, उसमें स्वीट एंड स्पाइसी ऐसे दो वेरिएशंस दिए हैं, उसमें भी तीन प्राइजेस है। उसके बाद हमने महारती रखा है, उसमें बहुत सारे जो लेडीज हैं उनको हम गिफ्ट्स देते हैं, जो भी आते हैं सबके लिए गिफ्ट्स रहते हैं। एंड उसके बाद हमने विष्णु सहस्त्र नामन भी रखा है, सो एनवायरनमेंट मेंटेन रखने के लिए जो मंदिर का है। ठीक है, इसके साथ साथ महिला उत्सव भी आप लोग इसमें पूरे रखते हैं। हाँ, तो दिस इज ऑल वी टेक सम कॉम्पिटिशन और एक का पुरस्कार भी रखते हैं। सो उसमें अभी जो ओलंपिक्स में जो मेडलिस्ट आई है ऋतुजा भोसले, उनको हम इस बार लॉन टेनिस टेनिस तेजस्विनी पुरस्कार दे रहे हैं। तो मैडम आप बताइए, आपका थोड़ा एक प्रोडक्शन बिजनेस के बाद क्या किस तरह से इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं? ये हमको ये अभी 24 इयर्स हो गए हैं पूरे नवरात्र महिला महोत्सव, हर बार हम अलग कुछ करना चाहते हैं। तो इस बार हमने जो कन्या पूजन तो रखते हैं, ये साल में विष्णु सहस्त्र नाम का जो रहता है वो 1008 उसके नाम रहती, तो उसका जो पांच पाठ हमने इस बार रखा है तो वो और श्री सुक्त 16 टाइम ऐसे इस बार एक नया प्रोग्राम किया है। तो इसके अंदर अगर एंटरटेनमेंट मिलता है और फेस्टिवल मिलते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करती हूँ, जब भी मैं इंडिया आती हूँ और मैं देखती हूँ फेस्टिवल तो मुझे काफ़ी लोग बुलाते हैं एज अ नवरात्रि में लाइक अ सेलिब्रिटी, और मैंने हमेशा अटेंड किया है और मैंने बहुत इंजॉय किया है। और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा एक चीज़ को ऑर्गेनाइज की है और आपने जो लेजेंड लोग हैं उन लोगों को फिर से आपने याद किया है। जैसे कहते हैं देवानंद जी जो एवरग्रीन स्टार है वो कभी पैदा नहीं हो सकता, वो एक बार होता है हर एक इंसान। और दूसरे लता जी जो उनकी जो वॉइस है वो मुझे नहीं लगता वर्ल्ड में कहीं और किसी के पास होगी, तो उसे आप फिर से याद कर रहे हैं और हम लोगों में फिर से उसको बता रहे हैं, जगा रहे हैं। और हम जैसी यंगस्टर लोगों को उस चीज़ को बताना और कायम रखना वो सबसे बड़ी बात है। तो उसके लिए बहुत बहुत फिर से धन्यवाद आपको और आप सभी को भी हैप्पी नवरात्रि मेरी तरफ से। मैं तो सबसे पहले सबको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग आए, एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इन्वाइट किया। और सबसे पहले ये जो शो है जो आज जो हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं समझती हूँ इसका जो मकसद है लोगों तक पहुँचाना कि महाराष्ट्र के कल्चर क्या हैं, महाराष्ट्र में किस तरीके से वुमनहुड को सेलिब्रेट किया जाता है और किस तरीके से हम नवरात्र सेलिब्रेट करने वाले हैं, इस इन सारी चीज़ों का ये बेसिकली एक सिलेबस है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर 15 से सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। और जब नवरात्र की बात आती है, चूँकि हम सभी लोग जब भी लड़कियों को देखते हैं हम कहते हैं वो दुर्गा का रूप है, वो काली का रूप है, सबके अपने अपने रूप हैं और हर लड़की के अंदर कहीं ना कहीं कोई एक माता छुपी हुई है। हम सब लोग 9 दिन सेलिब्रेट करते हैं, कोई पूजा पाठ करता है, कोई उपवास करता है, कोई कुछ करता है, बट ये सबको जोड़ के रखता है। और ख़ासकर अगर किसी त्यौहार में बॉलीवुड इन्वॉल्व हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं दिल से इनको थैंक यू कहना चाहूँगी कि इन्होंने हमको इन्वाइट किया। एंड व्हेन इट कम्स टू देवानंद साहब, अमिताभ बच्चन जी को सबसे पहले तो मैं बर्थडे विश करना चाहूँगी। और जैसा कि रेहा ने कहा कि लेजेंड एक बार पैदा होते हैं, वो बार बार पैदा नहीं होते, और ये सच्चाई है कि देवानंद साहब जैसे या अमिताभ बच्चन साहब जैसे लोग कभी दोबारा, मतलब इनके बारे में इनके जैसा कभी नामुमकिन नहीं हो पाना। और आशा भोसले जी को हम लोग ट्रिब्यूट दे रहे हैं, वाकई उन्होंने जो गाने दिए हैं हमारे इंडस्ट्री को ये जीवन भर अमर रहने वाले हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान है। और अगेन मैं इन्हें थैंक यू कहना चाहूँगी कि इन चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यूथ के सामने लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम इन टॉपिक्स को डिस्कस भी नहीं करते, बट फाइनली वी आर डिस्कसिंग एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
सबसे पहले मैं सुप्रिया जी को थैंक्स बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया है और बेस्ट ऑफ लक फॉर नवरात्रि के लिए, और मेरी तरफ से सभी को नवरात्रि की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हैं। अच्छे से खेलेगा, इंजॉय करिएगा, और इन्होंने जो ये एक फेस्टिवल लेके आए हैं बहुत ही अच्छा है। उन्होंने काफ़ी लोगों को ट्रिब्यूट किया है एंड आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे मौका मिला है उनके बारे में कुछ कहने के लिए और जानने के लिए। जैसे कि लता जी जो हैं वो मेरी हमेशा से फेवरेट सिंगर रही हैं और रहेंगी, और उनकी सिंगर ना कभी पैदा हुई है और ना होगी, और मेरा ये अरमान था कि जब भी मैं बॉलीवुड की मूवी करूं तो उनका एक सॉन्ग होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं है, पर कोई बात नहीं, पर उनकी यादें उनके गाने हमेशा ज़िंदा रहेंगे। और मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज जब भी मैं इंडिया आती हूँ और ये जैसे फेस्टिवल होते हैं इंडिया के, बहुत रंगीले होते हैं, बहुत मस्ती वाले होते हैं, और ये जो फेस्टिवल होते हैं वो हमको जोड़ के रखते हैं एक दूसरे को। तो हम इस फेस्टिवल में क्या होता है ना, हम सारी नफरतें भूल जाते हैं, सारे भेदभाव भूल जाते हैं, सिर्फ हम इंजॉय करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी कलरफुल होता है, उसमें कपड़े पहनने पड़ते हैं यू नो, तो मुझे अच्छे लगते हैं वो कलरफुल कपड़े पहनना और सजना। मैं जो है कि मुझे सिर्फ पहनना बोलते हैं ना, जैसे कि मुझे सजना संवरना अच्छा लगता है, और मैं जाती हूँ कभी कभी डांडिया खेलने के लिए, बट डांडिया कम खेलती हूँ बिकॉज़ क्या होता है कि मुझे एज ए सेलिब्रिटी बुलाया जाता है, तो मैं ज़रूर जाके वहाँ अपना प्रेजेंट देती हूँ, और मैं सबके साथ में डांडिया भी खेलती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। मेरे लिए माँ दुर्गा सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मैं माँ की फेवरेट हूँ, माँ मेरी फेवरेट है, तो ऐसे तो सारी माताएं मेरे लिए सभी फेवरेट हैं, और वुमन्स के अंदर, सारी वुमन्स के अंदर माताएं होती हैं, ठीक है। बोलते हैं ना जैसे कि हर एक इंसान में गॉड होता है, तो हर एक औरत में एक माता है, तो उनको सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बट माँ माँ है, तो इसलिए मैं देखिए माँ का ये भी पहनी हूँ। थैंक यू सो मच, आपने रिकग्नाइज किया उसके लिए। डेफिनेटली इंशा मैं ट्राई करूँगी जाने के लिए, अगर कोई इवेंट नहीं हुआ मेरा तो डेफिनेटली मैं वहाँ जाऊँगी, और वहाँ जाके पुणे वाले वासियों जो हैं उनके साथ इंजॉय करूँगी गरबा, और खूब मस्ती करूँगी, धमाल करूँगी इनके साथ में। और दूसरा मैं कहना भूल गई कि देवानंद जी वो एवर ग्रीन स्टार हैं, उनके साथ कोई सुपर स्टार पैदा ना हुआ है ना कभी होगा। जैसे बोलते हैं ना कुछ लेजेंड हैं जो अपनी छाप छोड़ के गए हैं, और मैं भी चाहती हूँ मैं भी ऐसी मूवी करूँ और ऐसा किरदार निभाऊँ कि जिंदगी भर लोग रेहा खान पठान कौन है उसे लोग याद करेंगे, पठान का बच्चा कोई आया है इंडस्ट्री में। हाँ जी, मैं मिली हूँ बच्चन साहब से, और बहुत ही करीब से मिली हूँ, और मतलब मैंने उनसे बात भी की है उनके सेट पे जाके, मुझे गले भी लगाया है उन्होंने, और उनको मेरी तरफ से जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जिस तरह से आप कोई एंटरटेन करते आ रहे हैं, काश हमें भी मौका मिले इस इंडस्ट्री में कि हम भी एंटरटेन कर सकें लोगों को आपकी तरह। और मैं चाहती हूँ कि आपकी बहुत लंबी उम्र हो, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए और कामयाबी हमेशा दे, जितनी है उससे ज़्यादा कमी मिले। जानना चाहेंगे जी जी, मेरी अपकमिंग प्रोजेक्ट है पर अभी मैं बोलना नहीं चाहूँगी, वेरी सून और बूम होगा। तो पठान आया है तो कुछ तो करके जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फिर से एक बार, और हैप्पी नवरात्रि, इंजॉय करना। एक तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, उसके दो रीज़न हैं। मैंने भी रिसेंटली एक घर परचेस किया है, मैंने यारी रोड में एक काफ़ी बड़ा फ्लैट लिया है, सो मैं नवरात्रों के टाइम पे वहाँ शिफ्ट हो रही हूँ। और मेरी एक फिल्म आ रही है marriage.com, उसकी अभी रिलीजिंग है, सो ये जो नव दुर्गा है वो दो चीज़ें लेकर आ रहा है मेरे लिए, और बहुत टाइम के बाद मेरी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और हम सब के लिए, हम सारे हिंदू वासियों के लिए नव दुर्गे जो होते हैं बहुत स्पेशल होते हैं, कोई उपवास रखता है, कोई घर में कन्या भोज करता है, इनके बहुत सारे रूप हैं। हम सब जब छोटे से होते हैं तो लोग हमें खाना खाने के लिए बुलाते हैं, पूजा करते हैं, तो हम सबको ये सिखाया गया है कि हम सब लड़कियों के अंदर माता रानी का कोई एक रूप है। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं मेरे सेट्स पे सारी हीरोइनों को माता रानियाँ ही बोलती हूँ। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं पुणे भी जाऊँगी, और मेरे दो तीन इन्विटेशंस भी हैं एज अ गेस्ट, मैं वो भी करने वाली हूँ, और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो मैं इस बार खुद से कन्या भोज भी कराऊंगी। अभी देखिए मेरी एक तो marriage.com रिलीज़ पर है, उसके अलावा मैंने एक अपना एक लॉन्जरी ब्रांड लॉन्च किया था गैगी, वो अच्छा चल रहा है, और मेरा खुद का एक ऐप है जहाँ पे मैं फिल्म्स बनाती हूँ, वेब सीरीज़ बनाती हूँ, मैं खुद ही ओनर हूँ showx.app करके, सो उसके लिए मैं बैक टू बैक फिल्म्स बनाती हूँ, और मंथ में मैं 5 से 6 वेब सीरीज़ उसमें रिलीज़ करती हूँ, सो डूइंग वेल। थैंक यू सो मच।
साथी आप किस तरह से नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, क्या कुछ स्पेशल रहता है आपके लिए नौ दिन? मेरे लिए हर चीज़ स्पेशल होती है क्योंकि मेरे घर में दुर्गा माता रखी जाती हैं। हम लोगों के यहाँ पे वो कलश वगैरह जलाए जाते हैं, मेरे पापा वगैरह सब बैठ के यानी कि पहले दिन उपवास करते हैं और अष्टमी के दिन हमारे यहाँ कन्या भोज किया जाता है। और मैं चूँकि पंडित हूँ ये सबको पता है, तो मेरे घर में बहुत ही शिद्दत से और बहुत अच्छे तरीके से माता रानी की पूजा की जाती है। थैंक यू सो मच। और मैं सभी को दिल से कहना चाहूँगी कि ये नव दुर्गा आप सबकी ज़िंदगी में हर चीज़ अच्छी करे और जो भी मुसीबतें हैं, जो भी लाइफ में हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है, सबकी लाइफ के स्ट्रगल ख़त्म हो जाएं और सब कुछ अच्छा हो जाए। थैंक यू। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, ज़िंदगी में सपने ज़रूर देखिए, सपने सबके पूरे होते हैं। हाँ, आपको बस कोशिश करना है। अगर आपको चर्च गेट पहुँचना है तो आपको वैसे की ट्रेन नहीं लेनी है, एक एक कदम चलिए। हो सकता है वहाँ ना पहुँचें बट कहीं तो पहुँचेंगे। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी, जिनका आज बर्थडे भी है। उन्होंने कहाँ से शुरू किया था, उनकी शुरू की 14 फिल्में फ्लॉप थी, फिर भी हिम्मत नहीं हारे। एक समय आया जब ABC कॉरपोरेशन पूरी तरह से डूब गया, मोहब्बतें से उन्होंने कमबैक किया और आज भी एक लेजेंड है। तो ज़िंदगी में चढ़ना उतरना, टूटना बिखरना सब लगा रहता है। ये दुर्गा माता के सारे रूप भी यही सिखाते हैं। तो ज़िंदगी में बस करिए, बढ़िए और लगे रहिए। और हाँ, एक चीज़, अगर आपने भगवान नहीं देखा है तो माता पिता को देखिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी आपको छोड़ सकता है, आपके माता पिता नहीं छोड़ेंगे। सही बात, बस यही कहूँगी जी। वैसे मैं ब्यूटीफुल हूँ, हाँ, इस बात का मैं थोड़ा थोड़ा सा गुमान भी कर लेती हूँ कभी कभी, लेकिन क्या करूँ यार, इतनी खूबसूरत होने के बावजूद वो नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि ऊपर वाले ने चाहा तो मिल भी जाएगा। आज से जब मैं 14 इयर्स पहले बॉम्बे आई थी, मैं इंजीनियरिंग करने आई थी, मैंने इंजीनियरिंग की हुई, मैंने BTech किया हुआ कंप्यूटर साइंस से। सो मुझे नहीं पता था कि मैं एक्टिंग में आने वाली हूँ। ऊपर वाले ने चाहा, आज इतना कर लिया, आज खुद का घर है, आज सब कुछ है। सो मैं लगी हुई हूँ। और मेरी ब्यूटी के बारे में यही कहूँगी, मैंने अच्छे से मेकअप किया है